इसको आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात की, ओके। मैं आपसे बड़ा हूँ बहुत, और मेरा एक्सपीरियंस है इस पुलिस स्टेशन में, ओके। मैं आपको जस्ट एक एडवाइस दे रहा था, बट आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप एक मेरे ख्याल में लॉयर हो या आप एक जज बनने की कोशिश कर रहे हो। कुछ सालों के अंदर इंडिया में स्कैम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं और हर साल लाखों करोड़ों रुपए के लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक ऐसा ही स्कैम सामने आया है जिसका नाम है डिजिटल आयुष स्कैम। अभी इससे पहले आपने काफ़ी सारे स्कैम देखे होंगे, जैसे कॉल फ्रॉड होते थे, लोन एप्लीकेशन वाले फ्रॉड हो रहे थे, ऑयल एक्स के ऊपर फ्रॉड हो रहे थे। अभी ये जो नया स्कैम सामने आया है डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ये क्या है? और ये अभी रिसेंटली आपको पता होगा, आज तक की एक जर्नलिस्ट है उनके साथ भी हुआ था, और अभी मेरे साथ भी इसी तरीके का स्कैम हुआ है जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने रखी थी। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग में आपको वीडियो के अंदर कहीं कहीं आपको सुनने को देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरी पूरी कहानी बताने वाला हूँ। मेरी कहानी से आप अवेयर हो सकते हो, और आपके पास कभी ऐसा कॉल आए तो आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है जो मैंने करी है, या फिर आज के टाइम में जो लोग इस तरीके की मिस्टेक कर चुके हैं, जो इस तरीके के स्कैम का शिकार हो चुके हैं, वो लोग जो मिस्टेक कर चुके हैं वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो मैं आपको पूरी मेरी कहानी बताता हूँ, और आपको ये वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना है ताकि आप अवेयर हो सके, और इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। होता क्या है, मेरे पास एक IVR कॉल आता है। अब IVR कॉल क्या होता है, आपने देखा होगा, आप जब कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो वहाँ पे एक ऑटो जनरेटेड ऑडियो होती है कि आपको हिंदी के लिए एक दबाना है, इंग्लिश के लिए दो दबाना, तो ये IVR कॉल होता है। मेरे पास भी IVR कॉल आता है, और मेरे को IVR पे ऐसा कहा जाता है, जो कि वुमेन लेडी है वो मेरे से डायरेक्ट बात करती है। बात करते मेरे को बोलते हैं कि हम टेलीकॉम सर्विस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, और आपका ये जो नंबर है ये ब्लॉक होने वाला है अगले 2 घंटे के अंदर, और वहीं साथ में आपका आधार कार्ड भी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा कि आपके इस आधार कार्ड से आपने एक और नंबर ले रखा है, उन्होंने नंबर भी बताया, उस नंबर से प्रमोशन मैसेजेस जा रहे हैं, लोगों को हैरेसमेंट मैसेजेस जा रहे हैं, जिसके अगेंस्ट मुंबई के एक थाने के अंदर 10 से 12 FIR रजिस्टर्ड है, और वो आपके नाम पर है। अभी से मैं घबरा गया, मैंने पूछा कि यार ये मैंने तो नहीं किया, मैं तो राजस्थान में रहता हूँ। और फिर मुझे बोलने लगी कि ये आपके आधार से लिंक है, तो इस नंबर से जो भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जो भी गलत काम हो रहे हैं, उसके ऊपर सारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने बोला कि यार ये नंबर तो मैंने नहीं लिया। तो उन्होंने बोला कि आपका आधार कार्ड आपने किसी को दिया होगा। मैंने कहा वो भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप ये प्रूफ करो कि ये नंबर आपका नहीं है। मैंने ये भी बोला कि यार सिम लेने के लिए तो फिंगरप्रिंट की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो फिर मेरे को समझाने लगी कि ये ज़रूरी नहीं है, आज के टाइम में आपको भी पता है लोग इलीगली तरीके से भी सिम परचेस कर लेते हैं, आपके नाम से भी सिम परचेस कर सकते हैं। और फिर उसने मुझे एक डिटेल लिखवाई, उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, डिटेल लिखिए, मैं आपका कॉल ट्रांसफ़र करती हूँ साइबर क्राइम को, वहाँ पर उनको ये डिटेल बताना, और उनको बताना कि ये नंबर मेरा नहीं है। मैंने बोला कि आप फ्रॉड भी तो हो सकते हो, मैं कैसे मान लूँ कि आप सब सही बोल रहे हो। उसने बोला कि मैंने कोई आपसे पैसे मांगे, मैंने कोई आपसे आपकी डिटेल्स मांगी। मुझे भी लगा यार नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं मांगा। तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को प्रूव कर दिया कि वो जेन्युइन ही है, और फिर उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ें बता के मेरा कॉल ट्रांसफ़र कर दिया साइबर पुलिस डिपार्टमेंट को। सामने से एक मेल पर्सन था, उसने फ़ोन उठाया, और उसने फ़ोन उठा के मेरे को बोलता है कि मैं साइबर पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, बताओ मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। फिर मैंने भी घबराते हुए अपनी सारी डिटेल्स बता दी, जो भी डिटेल्स उन्होंने दी थी कि ये मेरा नंबर है, इस एड्रेस से ये सिम ली गई है, मेरे आधार नाम से सिम ली गई है, और मेरे को बताया गया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से कि मेरे नाम पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, तो मुझे इसके अगेंस्ट FIR करनी है कि मैंने ये सिम नहीं ली है। तो फिर कुछ देर तक तो उसने मेरे से अच्छे से बात करी, लेकिन उसके बाद मेरे को बोला कि मैं कैसे मान लूँ कि आपने नहीं किया है, आपके नाम से ही सिम रजिस्टर्ड है, आपके नाम पे इतनी सारी FIRs है, और वो मुझे अब उल्टा ब्लेम करने लगा कि ये तो फ्रॉड आपने ही किया है। तो मेरे 1 से 2 डेज में ये कंप्लेंट, ये FIR, ये अरेस्ट वारंट में कन्वर्ट होते हैं, और हम आपको ऑन द वे जहाँ पर भी हो, हम आपकी लोकेशन ट्राई, आपकी लोकेशन ट्रेस करती है जहाँ पर भी हो, और हम आपको वहीं से अरेस्ट करते हैं। और जब मैंने उसको समझाया कि ये मैंने नहीं किया है, तो उन्होंने कहा कि अब इसके अगेंस्ट आपको एक क्रॉस FIR करनी पड़ेगी, और आपको 2 घंटे के अंदर मुंबई के इस पुलिस स्टेशन में आके प्रूव करना पड़ेगा, और आपको मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, और इसके अगेंस्ट क्रॉस FIR हैंड टू हैंड करनी पड़ेगी 2 घंटे के अंदर। मैंने कहा 2 घंटे के अंदर मैं राजस्थान से मुंबई कैसे आ सकता हूँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने कॉल तो पूरा अच्छे से प्लान बनाया, मेरे को पूरा अपने जाल के अंदर फंसा लिया। और फिर जब मैंने कहा कि मैं 2 घंटे में नहीं आ सकता, तो काफ़ी देर बहस करी, और बोले कि हम आपकी ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर कर लेते हैं, और आपको ऑनलाइन ही क्लेरिफिकेशन दे देंगे वीडियो कॉल के थ्रू, और उसके बाद वो क्लेरिफिकेशन हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भेज देंगे ताकि आपकी सिम बंद ना हो। सर एक बार बताओ, ऐसे तो कितने ही लोगों के नाम पे अगर कोई ले लेगा तो कितने लोग वहां आएंगे, और किसके पास, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे आऊंगा मेरे पास? आपने तो सर, आप तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपकी
आपकी तो अच्छी खासी सैलरी होगी। मेरे साथ फाइनेंशियली इशू है, हाँ। मैं नहीं आ सकता सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये रह सकूं, अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। ओके, फिर मैं कहता कि यार आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो चलो इस इमरजेंसी सिचुएशन में मैं आपकी एक ऑनलाइन वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा और उसके भी आप आपको क्लैरिफिकेशन लेटर इशू कर दूंगा। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा था सर, अब आपने गलत समझा। मैं क्या करूँ जा रहे हो बेटा, आप गवर्नमेंट को ब्लेम करी जा रहे हो। नहीं, आप गलत समझ रहे हो, तो मैं क्या करूँ। सहायता के लिए बैठे हुए हैं। तब तक मैं समझ चुका था कि ये फ्रॉड है। मैंने कहा कि मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं हूँ, मैं स्काइप पे भी नहीं हूँ। फिर उन्होंने, मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपके ऑफिशियल ईमेल से मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। तो उन्होंने कॉल कट कर दिया। हाँ, आप अपना व्हाट्सएप नंबर बोलिए, उस पर आपको हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा ऑटोमेटिक मैसेज रिसीव होगा। फिर आपने उस पर अपना FIR नंबर, फुल नेम एज पर आधार कार्ड और ये चीजें सेंड करनी है। मिसयूज नंबर सर, मैं व्हाट्सएप चलाता ही नहीं हूँ। व्हाट्सएप नहीं चलाते? नहीं। ओके, स्काइप चलाते हो क्या? स्काइप चलाते हो? स्काइप भी नहीं चलाता। ओके सर, मेल कर दो मेरे को। तो समझे आप ये क्या हुआ। स्टार्टिंग में मेरे को कॉल किया जाता है, कॉल पे मेरे को सबसे पहले ये बोला जाता है कि आपको पहला ही जो मैसेज होता है, जो IVR मैसेज होता है, वो आपको डराने के लिए होता है कि आपका ये नंबर बंद होने वाला है, आपके नाम से कुछ इस तरीके का स्कैम चल रहा है। आप डर जाते हो, डरती है आप जैसे भी कोई IVR का नंबर दबाते हो। एक लेडी कॉल उठाती है, वो खुद को बताती है मैं इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। फिर आपका कॉल आगे से आगे ट्रांसफ़र किया जाता है और आपको डराते डराते इतना ज़्यादा डरा दिया जाता है, इतना ज़्यादा अपने ट्रैप में फंसा लिया जाता है कि अब आपको उससे निकलने के लिए व्हाट्सएप पे, मतलब मैं तो समझदार था, मैंने व्हाट्सएप लिंक, मतलब अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया, व्हाट्सएप पे लिंक नहीं लिया। अदरवाइज़ क्या होता है, आप अगर व्हाट्सएप पे लिंक ले लेते हो तो जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट से जितने भी रुपए हैं ना, उस सारे कट जाते हैं। और डिजिटली टाइम के अंदर हम सब जानते हैं UPI के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करना इतना ज़्यादा ईजी होता है, तो वहाँ पर वो आपको आपकी UPI पिन वगैरह सब कुछ ले लेते हैं और आपके अकाउंट से जितना भी अमाउंट होता है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इस तरीके से आज की डेट में लोगों के साथ लाखों करोड़ों रुपये का फ्रॉड कर रहे हैं ये फ्रॉडस्टर्स। ये था हमारा एक वीडियो जहाँ पर मैंने आपको अवेयर करने की कोशिश करी है कि आपके साथ भी अगर इस तरीके का कोई स्कैम हो तो आप किस तरीके से बच सकते हो। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो आपको सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी कि आपको पहली गलती जो मैंने करी थी वो नहीं करनी है। जब भी इस तरीके का IVR कॉल आए, आपको डराने की कोशिश की जाए कि आपके 2 घंटे में ये नंबर बंद होने वाला है, या फिर आपके साथ कुछ भी ऐसा आपको लगे कि यार ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है, उस समय कॉल कट कर दो, कोई भी बटन मत दबाओ, अदरवाइज़ आप इनके ट्रैप में फंस जाओगी। तो ये वीडियो बस अपन यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बैक एंड जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।